आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे कि आपको पता है कि सीएस फाइनल का न्यू सिलेबस आ चुका है, और न्यू सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट का पूरा नाम, ये वो सब कुछ चेंज हो चुका है, करेक्ट? तो उसका जो जो फर्स्ट पेपर है, पेपर वन प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सब्जेक्ट ड्राई है। मतलब आपको जितना इंटरेस्टिंग या ऐसी सब चीजें चाहिए होती है पढ़ने में, वैसा ये नहीं है, थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट। मैं खुद इसको मानता हूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स, रिसेंट केसेस, और जो पीपीटी पिक्चर प्रेजेंटेशन आप देखोगे वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा ऐप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां पे जाके आप कोई भी कोर्स जो सीएस प्रोफेशनल का, एमएससीईटी लॉ का जो भी है, वो आप वहां पे परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? सबसे पहले तो देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है, वो क्या बोलता है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आईसीएसआई के हिसाब से है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कंप्लायंस ऑफ द लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट एंड एडहेरेंस टू द एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब होता है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो भी कंपनी है उसका जो टॉप लेवल है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसको सही तरीके से काम करना चाहिए, सारे लॉ को फुलफिल किया जाए उस तरीके से काम करना चाहिए, एथिक्स, मॉरल्स, सोशल वैल्यूज को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे आपका तो भला हो ही रहा है बराबर, लेकिन साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब आपके बिजनेस से जो कनेक्टेड लोग हैं, लाइक योर सप्लायर, योर कस्टमर, योर एम्प्लॉयज, सबका भला होना चाहिए। देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप अगर ये सोच रहे हो खाली मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, बाकी दुनिया गई तेल लेने, मेरे को क्या करना है, मैं मेरा प्रॉफिट देखू ना, और वैसे भी मैंने अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस चालू किया है। देखो, आप अपना प्रॉफिट कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस का मतलब भी होता है प्रॉफिट। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, बिजनेस का सिनोनिम ही होता है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अनएथिकल चीजें मत करो, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कोई ऐसी चीजें मत करो जो लॉफुली सही नहीं है बराबर, या वो एथिकली सही नहीं है, या सोशल वैल्यूज के हिसाब से वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें मत करो, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, समझो मैं कोई फूड बिजनेस चला रहा हूँ, मेरा कोई कंपनी है फूड बिजनेस का, आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर, आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट जिसमें मैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करता हूँ, और जो मैं रॉ मटेरियल यूज करता हूँ ना, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये बेस्ट रॉ मटेरियल है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है इसके अंदर, एंड आई एम यूजिंग दिस रॉ मटेरियल इन माय प्रोडक्ट। मैं ऐसा बोल बोल के पब्लिक को प्रोडक्ट बेचता हूँ, पब्लिक को वो ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि ये बोल रहा है मतलब ये कर रहा है ऐसा, और उस ट्रस्ट के ऊपर वो लोग मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहे। अब मुझे पता चल गया ना, अब ट्रस्ट गेन कर लिया है, अब तो भाई मेरा अपर हैंड है, अब मैं कस्टमर को कुछ भी बेचूंगा ना, अब पब्लिक खरीद लेगा। अब मैंने उस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा मिक्सिंग करना चालू कर दिया, थोड़े केमिकल्स डालना चालू कर दिए, या मैंने चीप रॉ मटेरियल लेना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में उतना ही रखूंगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा मेरा। अब आप फायदा उठा रहे हो, अब आप अनएथिकल चीजें कर रहे हो, बस ये नहीं करना है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कि जो इंस्टीट्यूट बोलता है, कि आईसीएसआई बोलता है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। और एक जनरल सेंस में अगर मैं देखूं तो एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, इट इंक्लूड्स बोथ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनकरेजेस ट्रस्टवर्थी मॉरल एज वेल एज एथिकल एनवायरमेंट। इन अदर वर्ड्स, द हार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। कि भाई कोई भी कंपनी बिजनेस करे ना, कोई भी कस्टमर का क्वेश्चन उठाएगा ना कि तुम गलत कर रहे हो, तो सामने वाला कंपनी का इतना बोलते ना वैल्यूज अच्छा होना चाहिए कि वो आके ऐसा बोलते, भाई मेरी कंपनी ट्रांसपेरेंट मैनर से काम करते, तेरे को 1% का भी डाउट है ना आके चल देख ले। ठीक
ठीक है, सारे डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी इतनी बेस्ट होनी चाहिए ना कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में टाटा सबसे बेस्ट है, टाटा को कोई आई थिंक कॉम्पीट नहीं कर सकता है, इतना बेस्ट वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सही तरीके से अच्छे से करते हो, मैनेज करते हो, आप उसको बहुत प्रैक्टिकली अडॉप्ट करते हो अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो आपको फायदा क्या मिलेगा। देखो फायदा तो डेफिनेटली है, जैसे पहला फायदा आपका कॉर्पोरेट सक्सेस अच्छा होगा। कॉर्पोरेट सक्सेस मतलब कैसे, आपके बिजनेस को ग्रोथ अच्छा मिलेगा क्योंकि आपके बिजनेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, फिर वो माउथ पब्लिसिटी होगा और धीरे धीरे आपके बिजनेस का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिकली आपको एडवांटेज मिलेगा। सेकेंड होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स है जो ऑलरेडी है या बाहर से जो आ रहे हैं उनको पता चला ना ये कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया है इसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स और सोशल वैल्यूज को बहुत बेस्ट तरीके से फॉलो करके बिजनेस कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये कभी गलत नहीं करेगा, मेरा पैसा कहीं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं होगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा होता है शेयर प्राइस ग्रोथ, तो ऑब्वियसली अगर इतने अच्छे प्रैक्टिस से अगर आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली यार शेयर प्राइस तो ग्रो करेगा ही करेगा। देन रिड्यूस वेस्टेजेस, अगर देखो आपको सब चीजें पता है ना कैसे क्या करना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, तो ऑटोमेटिकली वेस्टेजेस है ना ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। देन आता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखो ओवरऑल ग्रोथ भी ऑब्वियसली हो जाएगा आपका, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में सब चीजें ग्रो होगी, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवरऑल सक्सेस आपको मिल सकता है। एंड हेल्प्स टू रिटेन टैलेंट, देखो अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, कुछ गलत काम ना आपको करने दे रहे ना आपसे करवा रहे, तो आपको भी एक सही लगेगा यार मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे से कोई गलत काम नहीं करवाया जा रहा है। तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है ना जिसको ये सब चीज की बहुत वैल्यू है वो हमेशा आपके साथ रिटेन होके रहेगा, अदरवाइज मैं एम्प्लॉय को बोलूंगा ये गलत काम कर रहा है वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा ये तो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, बोला चल निकल फिर मैं तेरे को निकाल दूंगा, तो उसको भी बेचारे को डर लगेगा ना यार ऐसे गलत काम करवाएंगे, नहीं करवाया नहीं किया तो मेरे को निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम है। बट अगर सही तरीके से अगर आपने एथिक्स फॉलो किया है तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज भी स्टिक होके रहेंगे, काम करेंगे, बराबर, ये एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट आता है नीड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों है, क्यों करना है ये सब चीज, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बढ़ता है, जैसे बोला इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, बेटर मार्केट एक्सेस टू ग्लोबल एरिया, लाइक आप इंडिया में अच्छे ब्रांड बन गए हो, इंडिया में अच्छा लेवल पे आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया है, आपका यहाँ पे एक वैल्यू बन चुका है, तो फॉरेन में भी जाके आप जाओगे ना बिजनेस करोगे ना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, फॉरेन की हो सकती है कंपनी आपके साथ टाइप करके बिजनेस करने में इंटरेस्ट दिखाए। देन इजी फाइनेंस, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन किया है आपने तो आपको कोई भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इजीली लोन दे देगा। देन रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ स्कैम, देखो जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है ना उधर झोल स्कैम कुछ बोलते ना कांड बोलते अगर प्योर हिंदी में बोलो तो ऐसा सब होता है और वो कहीं ना कहीं रिस्क है फिर, लेकिन अगर सोचो कंपनी अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करेगा तो ये सब चीज तो होने से रहा कभी नहीं होगा फिर ये सब चीज। एंड लास्ट इज ओवरऑल एनहांस होगा ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रांड वैल्यू बनेगा कि ये कंपनी कभी गलत नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आज जैसे देखो मैं कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर टाटा का लोगो चिपका दूं ना ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट पब्लिक के अंदर गेन हो जाएगा बिकॉज टाटा इज अ ब्रांड और वो ब्रांड अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके वो बनाया है, बराबर, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एडवांटेज हो जाता है अभी। ठीक है, तो ये होता है नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीड और इसके पहले वाला जो आंसर था हमने एडवांटेजेस इट इज वेरी मच सिमिलर। ठीक है, कुछ दो तीन पॉइंट्स का इधर उधर है, आप ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, तो पहले मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया, फिर एडवांटेजेस हमने कवर किया और ये नीड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने कवर किया।